हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज दिन है गुरुवार का और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 8:30 और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। मेरा ब्रेकफास्ट जो है बन चुका है और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अर्पित भी उठ गया है लेकिन उसको भी मैंने कुछ नहीं करवाया, मतलब ब्रश करवाना है, उसको भी देखना है, तो अभी अभी जस्ट उठ गया है। मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही हूँ। अगर इससे पहले वो उठ जाता ना तो पहले वो काम करती, मैं उसको रेडी करती, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आती। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ। यहाँ दूध रखा हुआ था मेरे घर में तो मैंने सोचा कि आज की मतलब जो दूध है ना उसको मैं पेड़ा बना लूँगी, क्योंकि 2 पैकेट मतलब 1 लीटर के 2 लीटर दूध आता है ना, तो 2 लीटर दूध लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो 1 लीटर हम लोगों को पीने के लिए काफ़ी होता है, मतलब पूरा दिन चल जाता है। अर्पित का, मेरा हस्बैंड रात में सिर्फ पीते हैं तो बस चल जाता है 1 लीटर में। लेकिन 1 लीटर ज़्यादा हो गया था, वो पता नहीं मतलब दुकान में ना छुट्टा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने 2 पैकेट ले लिया। तो 1 पैकेट का ये आधा है 500 ग्राम, तो इसको मैं सोच रही थी कि मैं पेड़ा बनाऊं। तो मुझे बनाना नहीं आता, देखती हूँ अगर बनता है तो मैं ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पर दूध को मैं उबाल रही हूँ तो अभी छोड़ के भी नहीं जा सकती, तो उसको मैंने बोला थोड़ी देर और लेटे रहो फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो देखती हूँ ये, इसको मैं गैस को बंद करके ही जाऊँगी और फिर उसको पहले रेडी करूँगी, फिर ये जो काम है वो सब करूँगी। तो ये देखिए रोटी बन गया है और यहाँ पर है पानी। पानी बॉयल करके हम लोग रखते हैं और पानी जो है हम लोग बॉयल किया हुआ ही पीते हैं, तो पानी बॉयल कर लिया है। ठंडी के मौसम में अच्छा भी लगता है, गरम गरम सा थोड़ा सा पानी रहता है तो अच्छा लगता है। और रोटी बन गया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने अभी तक, और किया इसलिए नहीं क्योंकि चाय पी ली थी मैं तो उतना भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं खाऊंगी और साथ में कुछ सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि जो सब्जी था वो सब्जी थोड़ा सा मैंने किया, पनीर था थोड़ा सा, तो पनीर को मैंने पनीर की भुजी बना के मैंने हस्बैंड को दे दिया। पनीर का जो भुजिया होता है ना वही मैंने बनाया था तो हस्बैंड को वही मैंने दे दिया, और बचा नहीं है थोड़ा सा भी नहीं रखा मैंने, तो इसलिए सब्जी नहीं है तो रोटी नहीं खाई हूँ। अभी मैं कुछ सब्जी बनाऊंगी और रोटी खाऊंगी और उसके बाद लंच में कुछ बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बनाई हूँ तो इस वजह से। और ये देखिए दूध अभी बॉयल हो रहा है, पहले मैं जाती हूँ अर्पित को रेडी करके फिर मैं ये बनाऊंगी पेड़ा, ट्राई करूंगी देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ और अर्पित को ना मैंने बॉडी वॉश करवा दिया है, और जो भी होता है ना बच्चे का वो सब हो गया उसका, मतलब ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया, और बाल नहीं धोया है और बाल को देखिए खोल दिया है मैंने, और उसको मैं तेल लगा रही थी तो वो बोल रहा था कि मुझे खुद लगाना है, तो पहले वो थोड़ा सा निकाल के वो खुद ही लगाया है। जब तक ना देती ना तब तक ये आता नहीं मेरे पास और बाल नहीं बांधता, कभी कभी इतना ज़िद करता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब तक उसके मन का थोड़ा सा ना करने दो तो बहुत चिड़चिड़ करता है। तो ये देखिए अभी उसके बाल को मैं सही करती हूँ, और वो उधर ना टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है उधर, तो मैं उसको चेंज कर दिया और गाना लगा दिया है, कुछ पोएम वगैरह, मतलब बच्चे का जो चैनल होता है उसमें कुछ पोएम भी आता है तो वो लगा दिया मैंने। तो देखिए उसका बाल जब बांधने जाती हूँ तो उसको कितना गुस्सा आता है, देखिए रोने लग गया था, तो मैंने बोला कि अगर ऐसे रहोगे सब गंदा बोलेंगे, तो फिर आ गया और उसका मैं चोटी कर देती हूँ। लंबे लंबे बाल हो गए हैं और बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी खुल जाता है ना सामने का बाल, आ जाता है आँख में, घुसता है मुँह में, घुसता है, बच्चे बहुत परेशान होता है। तो चलिए उसके और कुछ दिन की बाकी है और मुंडन होगा तो आप लोग के साथ वो भी शेयर करेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, अभी आप लोगों को ना कुछ दिन बाद बहुत बहुत अच्छे अच्छे धमाकेदार ब्लॉग मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा।
तो ये देखिए अभी उसका मैं चोटी करके फिर उसको खाना खिला के फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। और मैंने भी अभी तक नहीं खाया है, अर्पित ने भी नहीं खाया है। पहले उसका मैं रेडी करके फिर उसको खाना खिला के फिर जाऊँगी, क्योंकि बच्चे भूखा रहे और मैं कुछ काम करूँ ऐसा नहीं हो सकता है। और क्योंकि क्या होता, आज क्या हुआ, आज मैं किचन में जाती ही नहीं, कुछ अलग सा मतलब जो मैं बनाने जा रही हूँ ना पेड़ा, तो वो मैं बनाने जाती नहीं अगर वो पहले उठ जाता, क्योंकि वो उठा नहीं था, इस वजह से मैं गई थी तो उस टाइम पे वो उठ गया। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ और उसके बाद उसके जो भी काम है उसको खाना खिलाना वगैरह सब कुछ करके फिर मैं जाऊँगी वो काम करने। तो ये देखिए हो गया है, आप लोगों से बात करते करते देखिए मैंने उसको रेडी भी कर दिया है। अभी उसको खाना खिलाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अर्पित ने एक रोटी खाया है और खाया नहीं ठीक से, इसलिए फिर मैंने बोला कि क्या खाना है, तो बोलने लगा कि बिस्किट खाना है, तो मैंने ओरियो बिस्किट जो मिलता है ना वो मैंने दे दिया है। तभी खा रहा है और टीवी देख रहा है। मैं अभी ये बना लेती हूँ क्योंकि इसके बाद ना मुझे कुछ सब्जी बनाना है। मैं खाऊंगी, तो मैंने भी नहीं खाया कुछ, चाय पी थी ना तब चाय के साथ 2-3 बिस्किट खा ली थी मैंने, तो अभी भूख नहीं है। और आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी बताती हूँ। चावल जो सफ़ेद वाला और उसका पानी नहीं निकालते हैं वो चावल बनाऊंगी, और चावल के साथ क्या हुआ, और चावल के साथ जो तो सफ़ेद वाला जो चावल होता है ना उसका पानी नहीं निकालते हैं वो बनाऊंगी आज मैं लंच में, और साथ में मैं बनाऊंगी आलू का चोखा। तो मुझे वो बहुत पसंद है, खिचड़ी और इस टाइप का जो चावल होता है वो, और अर्पित को भी पसंद है तो हम लोग खा लेंगे वही। अभी मैं पेड़ा बना पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी सिर्फ बॉईल कर रही हूँ दूध को, थोड़ी देर बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। मेरी जो दादी थी ना अभी नहीं रही, मेरी ठाम्मा, तो वो बनाती थी, मैंने देखा था बहुत छोटी थी तब, मैं वो बनाती थी, तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ। और आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम लगता है पेड़ा बनाने में। थोड़ा सा दूध में ही मैं बना रही हूँ, 1/2 किलो दूध में, अगर अच्छे से बनेगा तो फिर कभी बनाऊंगी ज्यादा दूध लेके, लेकिन ये 1/2 किलो दूध है।
तो ये देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पेड़ा बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले मैं देखती थी, अब मैं खुद ट्राई की हूँ तो मुझे पता लगा कि कितना टाइम लगता है। खाने में जितना अच्छा होता है उतना टाइम भी लगता है ये बनाने में। तो अभी देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इस टाइम पे मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दिया है। ज़्यादा दूध नहीं था, आधा किलो था, तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाला। और ज़्यादा मीठा हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाली हूँ। तो चीनी डालने के बाद देखिए जल्दी से गाढ़ा हो गया, और थोड़ी मतलब अभी थोड़ा सा ही गाढ़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा टाइट करना है नहीं तो नहीं बंधेगा अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, मतलब घर का जो मिठाई होते हैं अपना खुद का बनाए हुआ, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होता, घर में ही बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है यही, और लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया है, और भी थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो आप लोग देखते जाइए, अभी नहीं बंधेगा, अभी थोड़ी देर और चलाना है, और लगातार चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मैं जिससे बना रही हूँ वो स्टील का जो बर्तन है इस वजह से, और स्टील के बर्तन में जल्दी चिपकता है, इसी से मैं दूध गर्म करती हूँ ना, तो इसी वजह से उसी से मैंने चढ़ा दिया है, नहीं तो कढ़ाई में अच्छा बनता है। तो ये देखिए इतना सा हो गया है, आधा किलो दूध इतना हो गया है। अभी मैं इसमें इसको निकाल ली हूँ गैस से, और उसके बाद मैंने इसमें एक इलायची कूट के डाल दिया है, एक नहीं दो, दो डाला था, हाँ दो इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है ताकि उसका जो फ्लेवर है अच्छा आया। तो ये देखिए अभी गर्म है, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये, तो अच्छे से बंध जाएगा, ऐसा हो गया है तो मैं कर पाई हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैं जब छोटी थी तब देखा था दादी माँ से करने को, अभी तक मुझे याद है और मैंने कर लिया, ट्राई कर रही थी तो देखिए मैंने कर लिया। अब मैं ज़्यादा दूध का बनाऊंगी कभी तो अच्छे से आप लोगों को रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। वैसे आज भी मैंने किया है तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हो। देखिए बन गया है अच्छे से, बन जाएगा, मतलब बन गया नहीं, बन जाएगा। अभी मैं बांधी नहीं हूँ क्योंकि गर्म है, तो गर्म में थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, इसके बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने घी भी थोड़ा सा निकाल के रखा है, बस थोड़ा सा हाथ में लेना है और इसको बांध लेना है। ऐसे ही करती थी, बहुत याद आता है मुझे, बहुत मुझे अपने ठाम्मा की याद आती है बहुत ज़्यादा। चलिए देखती हूँ अभी बनता है कि नहीं बनता है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है। थोड़ा गरम है, ऐसे ही गोल गोल रखती हूँ मैं। अच्छा लग रहा है दिखने में। पेड़ा का शेप थोड़ा सा अलग होता है, मैं लड्डू की जैसे बना रही हूँ। दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए इस टाइप का ही अच्छा लग रहा है दिखने में, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। बहुत गर्म है अभी।
चलिए मैं ये सब बनाती हूँ, तब तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए मैं सबको बना लेती हूँ। ये देखिए हमारा पेड़ा जो है वो बन गया है, और मैं दो तीन देखिए यहाँ पर पेड़ा का शेप दी हूँ और बाकी का मैं लड्डू जैसे बनाई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था लड्डू जैसे दिखने में, तो इस वजह से और पेड़ा का दो तीन आकार दी हूँ। तो बहुत खुशी मिल रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इतने दिन पहले जब छोटी थी तब सीखी थी, अभी भी याद है, तो बहुत मतलब मैं पूरी तरीके से पास हो गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।